सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बड़ी है, जिस भारत ने, और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है बहनों भाइयों, भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और उस भारत को बदनाम किया जा रहा है कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं? नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी यहां मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बड़ी है, जिस भारत ने, और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है बहनों भाइयों, भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और उस भारत को बदनाम किया जा रहा है कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं? नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं? नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी यहां मध्य प्रदेश में कर रहे हैं,